हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएमआई सोम बेस एजुकेशन। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। तो पहले भी हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, वो कौन सा टाइप का था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये थ्री टाइप्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, इसलिए पहले मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो टाइप आने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए अब हम ये पूरा का पूरा पढ़ लेंगे और वो पिछले वाले से इजी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो कितना आसान है, यूनिट फ्रैक्शन है टाइप ऑफ द फ्रैक्शन में। पहला टाइप है यूनिट फ्रैक्शन, तो विच हैव वन, तो फ्रैक्शन विच हैव वन एज ए न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। आसान है ना। देखो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में वन होना चाहिए, तो फ्रैक्शन विच हैव वन एज ए न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखता है, न्यूमरेटर में वन है तो मतलब वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में वन बाई नाइन है तो न्यूमरेटर क्या है, वन है, तो वो क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। वन बाई ट्वेल्व है तो न्यूमरेटर में क्या है, वन है, तो वो क्या हो गया बेटा, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। तो पहला टाइप समझ में आ गया यूनिट फ्रैक्शन में, और कुछ भी याद नहीं रखता। तो फ्रैक्शन विच हैव वन इन द एज ए न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, तो चलो अब दूसरी बात है, दूसरा टाइप है लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर इट्स कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर ना सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। देखो ये फिगर्स मैंने ड्रॉ आउट किए यहाँ पे, तो इसके लिए आप फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करो, क्या आएगा उसका, हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर हियर, फोर, हाउ मेनी शेडेड पार्ट, वन। तो डिनोमिनेटर में आया फोर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में आया फोर। अब इसके लिए करो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर हियर, फोर, एंड हाउ मेनी शेडेड पार्ट, टू, तो उसको बोलते हैं टू बाई फोर। तो डिनोमिनेटर में अगेन क्या आया बेटा, डिनोमिनेटर में फोर। यहाँ पे वापस से देखो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स इन द फिगर, तो आप बोलोगे सर फोर टोटल पार्ट्स, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है, फोर है, शेडेड कितने पार्ट है, थ्री, तो इसको बोलते हैं थ्री बाई फोर। तो ये बेटा वापस से डिनोमिनेटर में क्या आया, फोर आया, तो वन वन बाई फोर, टू बाई फोर एंड थ्री बाई फोर। तो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आसान सी बात है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो न्यूमरेटर में वन आ जाए तो यूनिट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन तो उससे बिल्कुल उल्टा, लाइक फ्रैक्शन से बिल्कुल उल्टा। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शंस हैविंग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए डिनोमिनेटर, क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना, सेम नहीं होना चाहिए, इट्स कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इतनी बात याद रखनी है, डिफरेंट डिनोमिनेटर तो अनलाइक, सेम डिनोमिनेटर तो लाइक, और न्यूमरेटर में वन तो यूनिट फ्रैक्शन, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके लिए आप फ्रैक्शन लिखो, तो टोटल पार्ट है टू, तो टू, और शेडेड है वन पार्ट, तो वन अपॉन टू। यहाँ पे देखो टोटल पार्ट है फोर और शेडेड थ्री, तो इसको बोलते हैं थ्री बाई फोर। ठीक है, देखो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ओके, चलो अब हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आ रही है, सिक्स, हाउ मेनी शेडेड पार्ट, फोर, तो उसको बोलो फोर बाई सिक्स। तो यहाँ पे कोई भी है एक दूसरे का लाइक फ्रैक्शन नहीं है, दिस ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दे आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक, सेम डिनोमिनेटर लाइक, और वन इज ए न्यूमरेटर, तो क्या आएगा बेटा, यूनिट फ्रैक्शन आएगा। समझ ली बात, सही है ना, सही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आ जाए, इतना ईजी है।
तो बेटा ये सारी नोट्स है, वीडियो पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट निकालो, अच्छा तो और पोस्ट करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो अपनी फेयर कॉपी बुक में, ये नोट्स अपने आप लिख लेनी है, ठीक है, ओके। तो बेटा अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। तो बेटा यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करो, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड याद रखो, न्यूमरेटर, वन एज ए न्यूमरेटर, वन एज ए न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, देखो इसमें डिनोमिनेटर में वन है तो ये यूनिट नहीं है, ठीक है, ये यूनिट नहीं है, ओके। तो ये यूनिट है 1/7, क्योंकि वन एज ए न्यूमरेटर है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 1/10 है, 1 एज ए न्यूमरेटर आया तो ये भी क्या है, यूनिट है। देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, ये भी क्या है बेटा, यूनिट फ्रैक्शन है। 6/13 वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1 एज ए न्यूमरेटर होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे फ्रैक्शन है जिसमें 1 एज ए न्यूमरेटर है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, उस आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो आप खुद से करो, ठीक है, एज तक आसान सी बात है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, आंसर करो, और कुछ भी नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, गूगल मीट में भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलो, विच ग्रुप्स आर लाइक फ्रैक्शन, देखो लाइक पूछा है, लाइक मतलब क्या होता है, द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक होगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7, 7, 7 सभी में 7 है, तो ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है, क्या है, लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो 17, 17 और 19, तो हम इसका क्या करें, इसका क्या करें बेटा, देखो डिनोमिनेटर में 17, 17 है, 19 है, तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो पूरा ग्रुप है वो लाइक फ्रैक्शंस का नहीं है, ये दोनों है, ये दोनों लाइक है, लेकिन 3/19 भी इसी ग्रुप का है, तो मतलब ये सभी फ्रैक्शंस का ग्रुप है, हम उसको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, अनलाइक, क्या बोलेंगे बेटा, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो सभी में डिनोमिनेटर में 11, 11, 11 है, 6/11, 2/11 एंड 10/11, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लाइक, सेम डिनोमिनेटर मतलब लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है भाई, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, तो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच ऑफ द ग्रुप्स आर अनलाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द ग्रुप्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। पहला क्वेश्चन देखो आप अपनी बुक में, तो 3/7, 1/8 एंड 4/9, एक और करवा देते हैं, 2/5, 1/5 एंड 4/5, और सी वाला है 6/18, 1/16 एंड 9/20। तो बेटा यहाँ पे देखो अनलाइक पूछा है ना, तो अनलाइक का मतलब क्या होता है, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखो डिफरेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है डिफरेंट ही है, देखो डिफरेंट ही है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये ग्रुप कौन सा है, अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है, क्या है बेटा, अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है, 3/7, 1/8 एंड 4/9 हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, देन इट्स ग्रुप इज अनलाइक फ्रैक्शंस ग्रुप, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो सेम डिनोमिनेटर, सभी के डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब ये अनलाइक नहीं है, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस, क्या है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछ सकते हैं हम लोग, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि दिस ग्रुप इज अनलाइक फ्रैक्शंस ग्रुप, तो आप बोलोगे सर गलत बात है, अनलाइक नहीं है, लाइक है, देखो सभी के डिनोमिनेटर में
फाइव ही है, तो ये क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप हुआ। तो यहाँ पे देखो 18, 16, 20, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखो ना, क्योंकि हमको क्या करना है भाई, हमको सिर्फ लाइक अनलाइक करना है। किससे पता चलता है लाइक है कि अनलाइक है, किससे हम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो डिनोमिनेटर से। तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, 18, 16, 20, अनलाइक, अनलाइक क्योंकि अलग अलग है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस इसको बोलेंगे। ठीक है बात, चलो आई होप कि यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस से आपको पूरा समझ में आ गया, अब उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, तो बेटा पूरी वो जो नोट्स लिखवाई थी वो नोट्स लिखो, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 खुद से ट्राई करो, अब कर पाओगे। ठीक है, आसान सी बात है, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 खुद से सॉल्व करो। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।